हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें थॉर से मिलना है, टिकली से मिलना है। और आज से बेटर दिन वो हो नहीं सकता था, क्योंकि दिवाली का माहौल है, सब लोग अपने अपने घर पे गए हैं। मतलब जो भी मेरे घर पे रहते थे, लाइक जो मेरे फ्रेंड्स थे, रूममेट्स थे, वो अपने घर पे गए हैं। और जो निर्भय है, जो मेरा बड़ा भाई है, वो शूट पे गया है। तो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा दिन मुझे मिला है जो मैं अकेले स्पेंड करने वाला हूँ अपने घर में, बिल्कुल अकेले। बट एक सेकंड, बिल्कुल अकेले नहीं, मेरे साथ होंगे मेरे प्यारे बच्चे थॉर एंड टिकली। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैलेंज सा कर लिया जाए आज के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। मैं 24 आवर्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हर कोई करता है 24 आवर्स। तो यार, हम वो लोग हैं जो 8 आवर्स 9 आवर्स करते हैं, हम वो लोग हैं। हमारे जैसे बनो तो मैं मानूँ। तो एक्चुअली अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं एंड मैं उठ चुका हूँ। सो 12 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक, जब तक निर्भय शूट से नहीं आता, वो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 7:38 तक। सो तब तक मैं कोशिश करूंगा कि इस चैलेंज को कंटिन्यू रखूं। तो चैलेंज ये है कि मुझे रूम से बाहर नहीं निकलना है। थॉर और टिकली निकल सकते हैं, मुझे किसी भी केस में रूम से बाहर नहीं निकलना है। सो अपना सारा सामान, जो भी मुझे खाना पीना है, वो मैं पहले ही ला के रख लूँगा। और थॉर टिकली जा सकते हैं, लेकिन जैसे डोर बेल बजती है तो भी मुझे नहीं निकलना है। और अगर डोर बेल बजी, मैं नहीं निकला, तो थॉर टिकली जो भौंक भौंक के बुरा हाल करने वाले हैं। और एक और पॉइंट है, अगर मैं रूम में रहता हूँ तो ये लोगों का जो मेरा डर है वो ख़त्म हो जाता है, कि किचन में जाते हैं और पूरा उत्पात मचाते हैं और किचन को पूरा चेंज कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सब ना हो, लेकिन अगर वो जाना चाहेंगे मैं उन्हें जाने दूंगा, खुद नहीं जाऊँगा। दोपहर 1 बजे। तो गाइस, मैं अपनी ज़रूरत का सामान अपने रूम में ला चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, वाटर, पानी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा नहीं पीऊं, क्योंकि ज्यादा पियेंगे तो ज्यादा, समझ रहे हो। उसके बाद में है मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश जो मैं खुद बनाता हूँ, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक, वेरी गो टू थिंग, मतलब आप कहीं पे भी कभी भी खा सकते हो। तो वो है क्विकर ओट्स। ये ओट्स बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है इस बार तो। सो ओट्स हैं, ओट्स मैं खा सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ओट्स को खाना कैसे है। और ये है हमारे पास कुछ बटर मिल्क, जिसको हम छाछ भी कहते हैं, मसाला छाछ। तो आपको सबसे पहले इस ग्लास के अंदर थोड़े से ओट्स को डालना है, देन एक पैकेट छाछ को मिक्स करना है उसमें, एंड जस्ट स्टिर इट, इसको अच्छे से मिक्स करोगे, एंड उसके बाद यू कैन ईट। एंड ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मील होता है, क्योंकि जब भी मैं डाइट पे होता हूँ, जो कि मैं अभी हूँ, सो इसमें जो कार्ब्स होते हैं वो बहुत ही गुड कार्ब्स होते हैं, फैट्स परसेंटेज बहुत ही कम होता है। सो अगर आपको थोड़ा वेट लूज करना है और आपको भूख भी लगती है, तो ओट्स इज द बेस्ट थिंग। तो ये ओट्स हैं, ये ग्लास है हमारे पास, छाछ है, देन वी हैव सम ब्लैक कॉफी। आई एम अ ह्यूज ब्लैक कॉफी लवर, सो ब्लैक कॉफी मैं यूज करने वाला हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। आजा फ्रेम में आजा बेटा। खाने की बात हुई नहीं और हमारे थॉर आ गए हैं अपना हक मांगने के लिए। आज पूरा दिन हमें साथ में ही स्पेंड करना है। बट थॉर और टिकली के लिए भी मेरे पास कुछ है, डोंट वरी। क्या चाहिए? चाहिए पहले शेकन, शेकन, शेकन। अरे बेइज्जती मत करा कैमरा, शेकन, ठीक है। अरे वाह, मिलेगा बेटा, मिलेगा। तो ये है ब्लैक कॉफी, जो कि मेरे लिए है, इनके लिए नहीं है। अब आता है एक प्रोडक्ट जो बहुत जरूरी लगा मुझे। मुझे ऐसा लगा यार, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो नेचर से ज्यादा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। तो आई हैव दिस, दिस इज अ एम्प्टी बॉटल। मुझे लगता नहीं है इसका इंट्रो देने की कोई जरूरत है, आप लोग समझ चुके होंगे, काफी समझदार हो। सो ये खाली बॉटल भी मैंने सेफ्टी के लिए रखी है, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है यार। वीडियो के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमने 24 आवर्स नहीं किया है, हम 7-8 घंटे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये खाली बॉटल। अब थॉर टिकली के लिए जो है वो है ये, थॉर और टिकली के बिस्किट हैं, और थॉर देख सकता है ये है छोटे छोटे बिस्किट, देखते हैं थॉर खाता है नहीं। ये मैं बाद में यूज करने वाला हूँ, इनकी थोड़ी कलाकृति देखेंगे, इनके थोड़े उदम देखेंगे। खा गया बच्चा। सो दिस इज ऑल आई हैव, अभी अभी तो मुझे ज्यादा भूख लग नहीं रही है। सो लेट्स सी क्या करते हैं। दोपहर 2 बजे। सो ये है मिस्टर थॉर, जिसको आपने बचपन में देखा था। मैंने एक वीडियो किया था पेट्स ट्रेनिंग चैलेंज, उसमें थॉर काफी छोटा था, अब बड़ा हो चुका है, शर्मा रहा है थॉर। सो इसको पता नहीं है आज चैलेंज क्या होने वाला है। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं रूम में ही रखूंगा, इसको बाहर जाना है देखो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी तो आया मेरे भाई, इतनी जल्दी बाहर क्या जाएगा, रुक जा। ये है हमारी प्यारी टिकली, एंड देखो ये कैसे पूंछ ला रही है। इसको पता है कि कैमरा ऑन है, ये जानती है कि कोई शूटिंग वूटिंग हो रही है, इसलिए बच्ची पहले से ही पूंछ लाने लग जाती है। एंड टिकली को मैंने अडॉप्ट किया था बचपन। अरे यार, तेरा हो गया ना इंटरव्यू, चल पीछे।
टिकली को मैंने बचपन में अडॉप्ट किया था, बहुत छोटी सी थी ये, और आज इसकी वाइट दाढ़ी आ चुकी है, इसकी उम्र बढ़ चुकी है, बच्ची बड़ी हो गई हमारी, ये 6 ईयर्स की है गाइस, एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो और भी है बट टिकली से मेरा लगाव थोड़ा अलग है। क्या चाहता है, क्या चाहता है? शेक हैंड, शेक हैंड। अरे वाह, ये कितना क्यूट बच्चा है मेरा। टिकली सेट सेट शेक हैंड। अरे ये सेट बोला है क्या, तुम बेइज्जती करा रही हो चैनल पे मेरी। शेक हैंड शेक हैंड शेक हैंड। अरे ऐसे नहीं, बैठ के उठ खड़ी हो। अरे अरे ओहो, ये तो आपस में भी शुरू हो गए कैमरे के लिए। सब एक्टर्स हैं ये, सब एक्टर्स हैं। सो ये वो डांट है जो थॉर को अक्सर पड़ती है दिन में। टिकली ने शेक हैंड नहीं किया है, एक और ट्राई। टिकली शेक हैंड शेक हैंड शेक हैंड। अरे किया है लेकिन ये बैठ के नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, तू सीनियर है तो इतना तेरे को दिया जाता है। दोपहर 3 बजे सो गाइज, मैंने सोचा कि थोड़ा टीवी देख लिया जाए क्योंकि आई एम अ ह्यूज क्रिकेट लवर। सो एज यू नो वर्ल्ड कप चल रहा है, सो वर्ल्ड कप चल रहा है तो अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे होंगे, एंड इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, हमारी दिवाली हैप्पी हो गई। एंड अभी मैं कुछ हाईलाइट देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, ये मैच मैंने वैसे ऑलरेडी ये हाईलाइट्स में देख चुका हूँ। कलर्स, बिग बॉस, बिग बॉस का माहौल है हर तरफ, हर कोई चाहता है कि बिग बॉस कौन जीतेगा, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं जो कि हैं, ये आपने पढ़ लिए होंगे। सो इन र्यूमर्स पे मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट यस मैं बिग बॉस को रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, रोज देखता हूँ, चाहे मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो मैं अपने फोन पे देखता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं बिग बॉस के लिए कुछ स्पेशल वीडियो, यानी कि जो भी बिग बॉस के फैंस हैं यहाँ पे, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक स्पेशल डेडिकेटेड बिग बॉस का वीडियो मिले, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई एम प्लानिंग टू डू इट वेरी सून। और ये र्यूमर्स की बात, नो कमेंट्स। शाम 4 बजे तो गाइज, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई मील, एज आई सेड ओट्स विद छाछ इज अ अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और थॉर टिकली का क्या सीन है ना, ये बेचारे सो ही रहे जब से रूम में है, दे आर स्लीपिंग। पता नहीं इतना क्या थके हुए थे, कौन से पत्थर वत्थर तोड़ के आए हैं ये लोग, परेशान मुझे करते हैं दिन भर और नींद ये लेते हैं। आपको भी दिखाता हूँ कैसे मस्ती से सो रहे हैं। को स्लीपिंग स्लीपिंग यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आज बेड पे चढ़ क्यों नहीं रहा है, खाना खा रहा है थॉर को। सो गाइस, मैंने तो अपना फूड कंप्लीट कर लिया है, अब बारी आती है इन बच्चों को कुछ खिलाने की, और खिलाएंगे नहीं, इनके थोड़े मजे लेंगे, इनको थोड़ा ट्रेन करेंगे। लेट्स गो, सेट सेट सेट, नाउ कैच इट बेबी। ओ वाओ, अरे वाह, सेट 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 सेट, कैच इट, मिस डेड। और को यहां से ट्राई करते हैं, थॉर पकड़ना बेटा, ये ले। दिखाई नहीं, सेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक इसकी स्ट्रेटेजी है कि ये खड़े होके खेलेगी। So these two are my छोटे छोटे kids and they are very 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 special for me. इनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से शायद मैं मुंबई में सर्वाइव कर पा रहा हूँ। मैं अपने सेट पे होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ मैं घर कब जाऊँगा, कब इनसे मिलूँगा। तो ये मेरी लाइफ है, यू कैन से दैट, कि अगर ये ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। एंड इन दोनों की खास बात यही है, थॉर इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है, एंड टिकली एक स्ट्रे डॉग है, बट थॉर को ये बात पता है कि टिकली उससे बड़ी है, क्योंकि थॉर जब आया था तो टिकली ऑलरेडी बड़ी थी एंड थॉर एक छोटा सा पपी था। तो आज भी थॉर के अंदर वो डर कायम है, बिल्कुल है, अभी भी टिकली इसको डांटती है, थॉर डरता है, थॉर टिकली पे कभी अटैक नहीं करता क्योंकि थॉर टिकली की रिस्पेक्ट करता है। यही लोग, मतलब सोच लो, ये पपीज, ये डॉग्स, ये मेरे बच्चे भी आप लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने से बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए, है ना टिकली? Yay! शाम 5 बजे सो गाइस, आई थिंक नेचर इज कॉलिंग मी। नेचर किसी लड़की का नाम नहीं है, नेचर इज कॉलिंग मी, यू कैन अंडरस्टैंड। वो जो मैं खाली बॉटल लेके आया था उसको यूज करने का टाइम आ गया है। सो मैंने फाइनली डोर ओपन कर दिया है और थॉर बाहर जा चुका है।
मैं नहीं जा सकता, मैं मेरी सीमा यही है। और ये है हमारी डोरा, ये भी उस पुराने वीडियो में थी, ये मेरी कैट है। इसके साथ भी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, सो इंतज़ार करते रहिएगा। ये एक पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग है, जो मुझे भेजी थी इशिता घोष ने। ये मेरा बर्थडे का गिफ्ट था, सो थैंक यू इशिता। एंड ये मेरे रूम में है, डोंट वरी, मैं रोज़ उठता हूँ, इसको देखता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। ये कुछ फ्रेम्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा थॉर बाहर कर क्या रहा होगा। थॉर अंदर आओ, हाथ मान ले बेटा, हियर इज थॉर। टिकली मेरा पूरा साथ दे रही है, टिकली कहीं नहीं जा रही है, वापस कहाँ जा रहा है थॉर? नहीं बेटा, बाहर गंदा मत करना प्लीज। हाँ अच्छा बच्चा, फिर भाग गया। शाम 5:15 बजे, सो गाइस थॉर के पास चलते हैं, थॉर कराटे ले रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसके कराटे सुना पाऊँ। और ये जो खराटे थे ये कुछ भी नहीं थे, रात को ये इससे भयंकर खराटे लेता है, इज अ खराटा किंग आई थिंक। टिकली बहुत प्यार से सो रही है, देखो टिकली की फेवरेट जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ पे वो सोती है। सो ये है टिकली का फेवरेट स्पॉट सोने के लिए, एक चेयर। ये बेड पे नहीं सोती है, ये चेयर पे सोती है, इसको बहुत पसंद है चेयर पे सोना। इनफैक्ट कई बार जब हम फ्रेंड्स लोग बैठते भी हैं चिल करने के लिए, तो भी एक चेयर एक्स्ट्रा लगती है जस्ट फॉर टिकली। शाम 6:30 बजे, सो गाइस फाइनली हमारा वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड जैसे तैसे शिट घंटी बज चुकी है। टिकली, टिकली का थोड़ा सा रिएक्शन आया है। थॉर भाई देख रहे हैं ये हुआ क्या है? बस बस चुप चुप, कुछ नहीं है। बट आया कौन होगा? आई थिंक मेरा एक कुछ पार्सल था अमेजोन से जो आने वाला था। अब भाई जल्दी चले जाओ, जो भी है बाहर, वापस घंटी नहीं बजनी चाहिए, अगर वापस घंटी बज गई तो ये परेशान कर देंगे मेरा अंदर रहना। कोई नहीं है टिकली, कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, डोंट वरी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। सो मुझे लगता है कि घंटी का कारवां शांत हो चुका है जो। अरे रुक जाओ यार, वीडियो बना रहा हूँ यार, तुम भी तो आए हो वीडियो में, तुम्हारा भी वीडियो है, ये खत्म होने वाला है वीडियो, बस 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 कुछ देर की बात है, तुम्हें बाहर जाना है, तुम जा सकते हो थॉर, यू कैन गो आउट। ये भी भागा, ये भी भागी। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, पड़ोसी के कुत्ते भी भौंक रहे हैं। अरे रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ है भाइयों, जो था चला गया आई थिंक, डोंट वरी। अरे इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अरे ओहो, यही वो माहौल था जिसका मैं डर रहा था। बस 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 सर आ जाओ, कुछ नहीं है यार, मुझे बाहर जाना है, आई रियली वांट टू गो, मुझे बाहर जाना है। अरे ओए ओए, चुप थोरू थोरू, आजा लोरी सुनाओ, लोरी लोरी। टिकली टिकली तू तो सीनियर है, अरे टिकली आजा। बस 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 कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। रात 8:30 बजे, आजा रात होने आई। तो गाइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, 8 से ज्यादा बज चुके हैं, और मेरा भाई आ चुका है, वो अपने रूम में जा चुका है, एंड आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है अपने वीडियो को एंड करने का। एंड मुझे बहुत मजा आया, मैं पहली बार आई थिंक 8-7-8 घंटे के लिए अपने ही रूम में बंद था, एंड मैं बाहर नहीं गया, इनको मैंने जाने दिया, बहुत कुछ हुआ। वैसे तो ये लोग काफ़ी अच्छे से पेश आए, बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं किया। थॉर थोड़ा नौटंकी है, थोड़ा शैतान है, वो करता रहता है, बट जो डोरबेल बजी उसने मुझे एक बार हिला दिया था, क्योंकि ये लोग चुप नहीं होने वाले थे, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत देर तक चुप नहीं हुए, बहुत देर की कड़ी मेहनत के बाद, चुप कराने के बाद ये लोग चुप हुए। अब फाइनली टाइम आ गया, मैं सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, अब मैं जाता हूँ, आई विल टेक अ शावर, देन मुझे जिम जाना है, कार्डियो करना है, सो मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा हमारा छोटा बिग बॉस टाइप चैलेंज, एंड आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसे चैलेंजेस करते रहें। 24 आवर्स का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना रियल होते हैं या फिर इतना आसान होते हैं, दोनों चीज़ें मैंने बोल दी, जो भी है, बट मुझे लगता है जो मैं कर सकता हूँ वही मैं करूँगा, कुछ नकली नहीं दिखाना है, कुछ झूठा नहीं दिखाना है, क्योंकि ये चैनल दिल से चलता है, आप लोग दिल से प्यार करते हैं इसलिए चलता है। बाय बोल दो, ये अभी भी सो रही है, पता नहीं कब उठने वाली है। थॉर ऑलरेडी बाहर है, सो थॉर की तरफ से मैं बाय बोल देता हूँ, टेक केयर गाइस, बाय।